मेरी मंजिल भी जिद्दी, मेरे रास्ते भी जिद्दी है, अब बस देखना है कल, क्योंकि मेरा हौसला भी जिद्दी है। तो स्वागत है आप सभी का, आज की वीडियो बॉल नॉट विकेट नॉट पे होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। ये बेट्स कहाँ पे आती है? तो सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर, एक्सचेंज आईडी में आपको ये बेट्स मिलेंगी। आप बोलोगे कि यार ये एक्सचेंज आईडीज क्या होती है, तो देखिए वैसे तो स्पोर्ट्स बुक होता है एंड एक्सचेंज आईडी होती है। तो स्पोर्ट्स बुक में जैसे कि ऊपर आप देख सकते हो, मैं इनका नाम नहीं ले सकता, एंड एक्सचेंज आईडीज कुछ आपको पता है, ठीक है। अब सीधा टॉपिक पे आते हैं कि यार ये बेट्स कहाँ पे आती है। तो ये बेट्स आपको ऐसी दिख जाएंगी आईडीज के अंदर, जो भी मैच आप ओपन करोगे लाइव वहाँ पे आपको ऐसी बेट्स दिखते हैं, ठीक है। यूजुअली हम इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते, लेकिन आज हम इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो रेड कॉलम होता है वो होता है नॉट का, एंड ये जो ब्लू होता है वो होता है यस का, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 10 ओवर रन, मतलब 10 ओवर में कितने रन बनाएंगे, 50 ओवर में कितने रन बनाएंगे, ये सेशन की बेट से, ठीक है। ये बॉल नॉट एम फैंसी वाली अलग बेट है, ठीक है। अभी बॉल नॉट वाली बेट क्या होती है, रन नॉट वाली क्या होती है, देखिए बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा साइड में जाके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपल सी, तीन टाइप की बेट्स होती है, ठीक है, तीन टाइप की बेट्स। सबसे पहली होती है रन नॉट वाली, ठीक है, दूसरी होती है विकेट नॉट वाली, ठीक है, एंड जो तीसरी होती है वो होती है बॉल नॉट वाली। तीनों का फंडा अलग है, ये समझने के लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। जैसे कि रन नॉट किसका लेना है, विकेट नॉट किसका, एंड बॉल नॉट किसका। देखिए सिंपल सिंपल बात समझो कि जो प्लेयर स्लो खेलता है उसका रन नॉट लेना है। स्लो प्लेयर कौन से कौन से, कि जैसे कि आप समझ जाओगे, स्टीवन स्मिथ हो गया जो कि स्लो खेलता है, उसके बाद में जो रूट जो कि स्लो खेलता है, उसके बाद में और इंडिया के कौन से प्लेयर है जैसे कि केएल राहुल, वो ओडीआईज में स्लो खेलता है, ठीक है। जैसे जैसे अभी कभी कभी क्या होता है कि कोई प्लेयर स्लो खेलता ही है, ठीक है, किसी किसी मैच में, तो उसका बॉल नॉट ना करते हुए आप उसका रन नॉट करना है, ठीक है। विकेट नॉट, विकेट नॉट मतलब क्या होता है कि फर्स्ट विकेट, सेकेंड विकेट, थर्ड विकेट इसकी बैट रहती है, एंड बॉल नॉट होता है कि कौन सा बंदा कितना बॉल खेलेगा। देखिए आज के आधुनिक दुनिया में एंड आधुनिक स्पोर्ट्स में ये देखने को मिलता है कि बंदे या अपने क्रिकेटर्स फास्ट खेलने को देखते हैं, तो जब वो फास्ट खेलेंगे तो उनका विकेट जल्दी आएगा, वो रन तो अच्छे खासे बना लेंगे लेकिन वो कम बॉल खेलेंगे, इसलिए हम उनका बॉल नॉट करते हैं। तो अभी आगे मैं आपको आईडीज में लेके जाता हूँ एंड बताता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है। आईडी में आ गए तो यहाँ पे मैं आपको बैट्स दिखाता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट विकेट, देखिए विकेट मतलब कौन सी बैट, विकेट नॉट वाली, ठीक है। ये रन की हो गई, ठीक है, ये इंडिविजुअल प्लेयर का जो रन है ना ये उसकी हो गई। ये कौन सी हो गई, ये बैट, ये हो गई आपकी रन नॉट की बैट, ठीक है। अब यहाँ पे रन की जगह पे बॉल दिखाएगा, मेरे पास वो मतलब यहाँ पे दिखाने के लिए बैट नहीं है, लेकिन समझ लो यहाँ पे बॉल दिखाएगा, तो वो हो गई बॉल नॉट वाली बैट, ठीक है। जैसे कि पहले मैं आपको समझाया था, ये कॉलम होता है नॉट का, ये होता है यस का, ठीक है, समझ गए। अभी आपको कैसे पढ़ना है इस, ये जो पढ़ने वाली जो चीज़ है इसमें ही बहुत सारे लोग मात खाते हैं, ठीक है, ठीक से पढ़ नहीं पाते, आई डोंट नो व्हाई। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल ऑफ फर्स्ट विकेट रन, मतलब आपको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आती है तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट विकेट का मतलब कितने रन के बाद में आएगी फर्स्ट विकेट, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है 30 और यहाँ पे भी दिख रहा है 30, इस 30 का मीनिंग क्या है, 30 रन से पहले, ठीक है, 30 रन से पहले। कभी कभी यहाँ पे बॉल भी देता है, मतलब फर्स्ट विकेट कितने बॉल में आएगी, तो 30 बॉल्स अगर दे रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई 30 बॉल्स के पहले, एंड यहाँ पे क्या है 30 मतलब 30 बॉल्स के बाद, बाद का मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि 30 बॉल्स खेल के, ठीक है, या फिर 30 रन बनाने के बाद विकेट आएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी, ठीक है।
अभी यहाँ पे रेट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको कैंसिल करो क्योंकि 120 को कंसिडर नहीं करना है, हमेशा वही बेट लगानी जहाँ पे रेट 110 दे रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे 90 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर 100 देता है ना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूजुअली 90 देता है, ठीक है। ये 110 का मीनिंग क्या है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा। ये 110 का मीनिंग सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि आपको 110 रुपये लगा के 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 110 लगाने के बाद में आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 120 दिख रहे हो तो 120 रुपये लगाने के बाद में आपको 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 90, मतलब ये 90 आपको ऐसा लगेगा कि 90 रुपये लगा के 100 रुपये का प्रॉफिट, नहीं ये गलत है। यहाँ पे अक्सर क्या होता है, आप 100 रुपये लगा के 90 रुपये का प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है। अभी अभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा पैसा इधर उधर थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन भैया यहाँ पे बहुत अच्छे चांस होते हैं, इसलिए बुक की ऐसा रेट देते हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि यार ये कैसा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, समझ में आ गया आपको क्लियर कट, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आप देख सकते हो ऊपर इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ज्वाइन करना है, वहाँ पे बेट्स दिख रही है, आपको कांटेक्ट करना है तो मेरा यूज़र नेम ऊपर देख रहा है कि टेलीग्राम पे ऐसा यूज़र नेम टाइप करो @vyas1769 और मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है। आप 15-20 दिन देखो, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सब मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है, जैसे कि KL राहुल का 30 दे रहा है, ठीक है, तो KL राहुल का कितना दे रहा है, 33। अब ये 33 क्या है कि KL राहुल बंदा 33 रन्स बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है। 33 रन्स के पहले आउट होगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो 33 रन्स बनाता है तो फिर यहाँ पे आपको लॉस होगा, अगर आप नॉट करते हो तो लॉस होगा 33 रन्स पे, अगर आप यस करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। मतलब हाँ, इसका मीनिंग क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हाँ वो 33 रन्स बनाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, ये प्रैक्टिस वाली चीज है, एक दो बार कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पे मैं आपको कुछ लिमिट मैनेजमेंट बताऊंगा। यहां पे एक एक्सचेंज आईडी, एक बंदे के स्क्रीनशॉट है, कुछ दिन पहले उसने ये मुझे सेंड किया था तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। देखिए, लिमिट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके आईडी को डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में करोगे आप, मैं कहूंगा आप इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करो। आपका जो एक पार्ट होता है उसको, एक पार्ट को हम कहते हैं एक लिमिट, ठीक है, एक पार्ट को हम कहेंगे एक लिमिट टेलीग्राम के लैंग्वेज में। प्लीज़ मुझे मत आकर पूछना, एक पार्ट मतलब एक लिमिट, ठीक है। तो अपने आईडी में कितने लिमिट हो गए, 10 लिमिट, ठीक है, 10 लिमिट हो गए। आपको कितने लिमिट से एक बेट करनी है, एक लिमिट से एक बेट करनी है, ना उससे ज़्यादा, उससे कम तो नहीं लग, उससे कम, ठीक है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, बस एक लिमिट से ही एक बेट करने, मतलब आईडी का एक पार्ट से ही आपको एक बेट खेलनी ही है, ठीक है। सेकेंड बात, यहाँ पे आपको और एक बात देखो, जैसे कि आपने बेट लगा दी कितना, 30 रन्स नॉट किया, ठीक है, फिर आपको लगता है अभी तो विकेट जाएगा, फिर आप 50 रन नॉट्स करते हो, ठीक है, फिर आप 60-70, एंड वो प्लेयर सेंचुरी मारता है एंड आपका लॉस होता है। कुछ दिन पहले की बात है, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा, साउथ अफ्रीका के 3 बैट्समैन ने सेंचुरी मारी एक वर्ल्ड कप के ओडीआई मैच में, एंड वो एंड उस वजह से बहुत लोगों के सपने भी टूटे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो उस बंदे ने नॉन स्टॉप बैट करते गया, इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास पूरा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो माइनस 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 माइनस, मतलब क्या ही बोलूँ मैं अब इसके बारे में, ठीक है। ये आईडी नीचे से स्टार्ट होती है एंड उसने लॉस करके करके पूरा लॉस कर दिया, एंड इसका एक ही कारण है कि उसने बेट्स वन टाइम नहीं ली, उसने मैक्स 2-3 गया एंड उसने लॉस खाया, ठीक है। एंड हर किसी मैच में ये चीज़ नहीं करनी है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आज, बस बॉल नॉट ही एक चीज़ नहीं है, बॉल यस, बॉल रन यस, ये भी किया जाता है, ये भी करना पड़ता है, एक ही चीज़ के पड़ो मत, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं,
अभी जो एडवांस वाले बंदे हैं जिनको एडवांस नॉलेज है इस चीज की, अभी बात करते हैं अपन स्ट्रांग प्लेयर के बारे में। स्ट्रांग प्लेयर जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जोश में विराट कोहली दिख रहा है, तो विराट कोहली जैसे जो प्लेयर स्ट्रांग है, जो अच्छा खेलते हैं, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, विराट कोहली जब स्ट्रांग टीम के सामने खेलेगा तो भैया बॉलिंग अच्छी रहेगी, वो अच्छे से खेलेगा, ठीक है। तो जब वो अच्छे से खेलेगा तो अच्छे खासे रन बना सकता है या फिर जल्दी आउट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका ओडीआई मैचेस में, करंटली ओडीआई मैचेस चालू है इसलिए ओडीआई मैच में उसका 60 से लेके 65 बॉल के अंदर आप उसका बॉल नॉट लेना, ठीक है, क्योंकि चांसेस है कि यार ये बंदा आउट होगा, ठीक है। विराट कोहली हर मैच में अच्छा खेलेगा ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वर्ल्ड कप में देखते हैं कि यार कोई प्लेयर मतलब 2-3 मैच अच्छा खेलता है लेकिन भाई उसके बाद में उसकी विकेट आती है, ठीक है, इनका तब जाके चांस लेना है, ठीक है। जितना ज़्यादा चांस मतलब अगर इसका अगर आपको 80 बॉल, 90 बॉल मिल रहा है, 100 बॉल मिल रहा है, तो वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वो बेट वाली मतलब उस बेट की वैल्यू है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, वो है कि वीक टीम के खिलाफ, जैसे कि अगर समझो मान लो नीदरलैंड की टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, तो उसमें आपको चांस नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर चांस ले रहे हो ना तो बहुत लेट लो, जैसे कि 80 बॉल, 90 बॉल, ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो ओडीआई के रिलेटेड बता रहा हूँ। T20 के बारे में आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आफ्टर वर्ल्ड कप, ठीक है। चेसिंग में देखो, चेस करते टाइम पे आप अक्सर देखते हो कि विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैक्स टू मैक्स प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो स्ट्रांग होते हैं, कि उनका विकेट जाने का चांसेस बनता है। वो प्रेशर में खेलेंगे तो उनकी विकेट जा सकती है, ठीक है, तो उनकी विकेट कभी भी जा सकती है, मिडिल फेज में, एंड फेज में, स्टार्टिंग फेज में कभी भी जा सकती है, तो आप पे चांस बन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जब वो ओपनिंग मतलब फर्स्ट बैट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट बैट करें। देखो, फर्स्ट बैट के बाद में क्या होता है, कोई भी प्लेयर कितना भी अच्छे खेले, मान लो एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई फर्स्ट विकेट के लिए, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, 30 ओवर के बाद में या फिर 35 ओवर के, 30 ओवर के बाद में आप देख सकते हो कि विकेट आने को स्टार्ट होते हैं, तो 30 ओवर के बाद में आप दोनों प्लेयर का नॉट ले सकते हो। एक अच्छा फॉर्मूला है, आप ये चीज़ फॉलो होती है, हर बार फॉलो होती है, एंड आप जाके चेक भी कर सकते हो। मेरे को अगर आपको लग रहा है कि यार ये कुछ भी बता रहा है ना, तो आप जाके चेक कर सकते हो 30 या 32 ओवर्स के बाद में आपको मिल जाएगा कि इनका बॉल नॉट या फिर रन नॉट करोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है, वो है इनका करंट फॉर्म। इनका करंट फॉर्म बहुत अच्छा है हो तो अवॉइड ही करना है, लेकिन अगर वो अच्छा खेल नहीं पा रहा है, जैसे विराट कोहली का भी एक खराब फेज आया था, अभी मैं कह सकता हूँ क्या रोहित शर्मा का वो फेज चालू है, तो सिंपल सी बात। एंड ये जो लास्ट 6th पॉइंट है, इसकी एक मेरी ट्रिक है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अब ये करते हैं फर्स्ट विकेट बॉल नॉट के बारे में। एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोल सकते लेकिन बहुत अच्छी बैट है, जो कि बहुत मुझे लगता है बहुत बहुत ही मुझे पसंद है, ठीक है। ये कंफर्म प्रॉफिट देती है मैक्स टू मैक्स टाइम। जैसे कि T20 के अंदर अगर 20 बॉल आपको दे रहा है, ठीक है, 20 फर्स्ट ऐसी बैट आएगी, देखो फर्स्ट विकेट बॉल 21 बॉल आप इसको नॉट करते हो, तो मैक्स टू मैक्स टाइम आप चेक करते हो, स्कोर कार्ड चेक करो, तो आपको मिल जाएगा कि यार इसके अंदर ही विकेट आ रही है, ठीक है। एंड ये आप मेरे IPL के वीडियो भी देख सकते हो, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ बताई थी। अभी ODI मैच में देखना कि 72 बॉल्स के अंदर मैक्स टू मैक्स टाइम वीडियो मतलब विकेट आ जाती है। चाहे अब रिसेंट मैच देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, उस मैच में भी जल्दी से विकेट आ गई थी। एंड हर कोई मैच में आ जाती है, कभी कभार नहीं आती, कभी कभार नहीं आती, ऐसा नहीं कि हर बार नहीं आती, ठीक है। तो ये 72 बॉल्स के अंदर आती है, तो आप 72 बॉल्स मिलते ही आप विकेट नॉट ले सकते हो, फर्स्ट इनिंग मतलब फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकेंड इनिंग हो, ठीक है। तो ये अच्छी बैट है, प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है, ट्राई करना है। अभी बात करते हैं कि वीक टीम के मैचेस जब भी होते हैं, तो वीक टीम जैसे कि नीदरलैंड, ओके, तो इस बार नीदरलैंड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे वो वीक टीम लगती है, बाकी टीम्स मुझे सही लगती है, ठीक है। जब भी वीक टीम का मैचेस होते हैं तो गुड मैच फॉर बॉल नॉट मतलब बॉल नॉट रन नॉट के लिए अच्छे मैचेस होते हैं। जैसे कि कल का जो न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड का जो मैच है, उसको आप चेक कर सकते हो कि सबका मतलब रन नॉट आपको मिल गया होगा, अच्छा खासा आपने प्रॉफिट बना होगा वहाँ पे, मतलब ओवरऑल मैच इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा था, ठीक है। यहाँ पे आप बॉल नॉट ले सकते हो, रन नॉट ले सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे
मतलब एक प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे 2-3 विकेट बनने के बाद में एक पार्टनरशिप बनती है, जैसे कि विराट कोहली एंड केएल राहुल की पार्टनरशिप बनी वहाँ पे। आप बहुत लोगों ने सोचा होगा कि यार यहाँ से मैच पूरा डेड हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे एक पार्टनरशिप आती है। अक्सर आप देखते हो कि मैं जब खेलता हूँ तो मैं वहाँ पे यस करता हूँ क्योंकि, एंड वो मैक्स टू मैक्स टाइम पास हो जाता है। क्यों? ये एक साइकोलॉजी होती है कि बंदे क्या करता है कि 1-2 विकेट आने के बाद में वो सोचते हैं कि अभी सभी विकेट आ जाएंगे, यहाँ पे टीम ऑल आउट हो जाएगी। तो नहीं यार, अक्सर आप देखते हो कि वहाँ पे एक पार्टनरशिप बन जाती है एंड वहाँ पे आप यस से भी प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि वन मैन शो, एक प्लेयर ही पूरा आपका गेम पलटा सकता है, एक प्लेयर ही पूरा आपको लॉस दे सकता है। जैसे कि कोई प्लेयर अगर सेंचुरी मारता है, जैसे कि मेरे लिए सबसे गंदा प्लेयर पहले था वो था क्विंटन डिकॉक, वो बहुत लंबा खेलता था ठीक है उस टाइम पे, एंड मैं फंस जाता था ठीक है। लेकिन गलतियों से सीखना यही अपना धर्म है, यही अपना काम है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है, कुछ और चीज़ें बताऊँगा। जैसे कि बारिश होती है ठीक है, बारिश होती है तो बारिश के अंदर आपको एक देखने को मिलेगा, तो बारिश के टाइम पे आपको एक देखने को मिलेगा कि बारिश, देखो क्राइटेरिया समझो बेट का क्या है। अगर कोई प्लेयर रिटायर हर्ट हो जाता है ठीक है, एंड आप उसका बॉल नॉट लेते हो, मान लो 20 बॉल खेल गया है आपने, उसका 50 बॉल नॉट लिया है एंड वो रिटायर आउट हो जाता है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा ठीक है, ये नॉट के बारे में ठीक है। बारिश आती है, दो दो प्लेयर आए खेलने को आए ठीक है, उन्होंने खेला ठीक है, उन्होंने खेला एंड ऐसा हो गया है कि यार उन्होंने 5-6 बॉल खेली, उसके बाद में बारिश आ गई, लेकिन आपने उनका 20 बॉल 30 बॉल नॉट लिया है, तो आपको इस टाइम पे भी प्रॉफिट होगा ठीक है। यहाँ पे एक ड्रॉबैक बताता हूँ मैं आपको ठीक है, बहुत बंदे इसमें फंस जाते हैं कि बार बार बेट लेते हैं, बार बार बेट नहीं लेनी, आपको सिंगल टाइम ही बेट लेनी है। एंड मैं जो और एक चीज़ बताना चाहता था कि वो ये रहती है कि आप 30 बॉल्स नॉट करते हो तो उसकी विकेट 30 बॉल से पहले आने चाहिए। 30 बॉल भी अगर वो खेलता है, 30 बॉल पे आउट होता है, मतलब 29 बॉल खेली एंड 30 बॉल पे उसकी विकेट गई, तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। ये चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है आपको ठीक है। एंड और एक बात है कि रन में भी सेम होता है ठीक है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। जैसे कि आप अक्सर देखते हो कि आप देखते हो कि यार कोई वीक टीम है, वीक टीम का क्या करना है आपको, 3rd विकेट नॉट, 4th विकेट नॉट, 5th विकेट नॉट, यहाँ पे टारगेट करना है। क्योंकि क्या होता है कि उनको भी पता रहता है कि यार ये बंदा कम बॉल खेलता है, तो वहाँ पे आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे कि नीदरलैंड का प्लेयर का 25 बॉल्स ओपन करता है, तो भाई 25 बॉल्स तो ऑटोमेटिकली आप सभी को पता है कि यार कोई भी प्लेयर खेल सकता है 25 बॉल्स, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर आपका लॉस का चांस बनता है। उससे अच्छा है कि आप ये बैट कर खेल सकते हो, 3rd विकेट रन, 3rd विकेट बॉल्स तो नहीं आती, रन आते हैं, 3rd विकेट रन, 4th विकेट रन, 5th विकेट रन, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बन सकता है अच्छा खासा। तो ये थी वीडियो अपनी, एंड थैंक यू सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए। एंड और एक बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुम एक भीख मांगते हो सब्सक्राइब करने के लिए, इसके लिए उसके लिए, कमेंट करने के लिए इसके लिए। हाँ मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ ठीक है, और भीख हमेशा अपनों से ही मांगी जाती है, गैरों से नहीं ठीक है। अगर मैं अपने जिनके लिए मैं इतना एफर्ट्स करता हूँ, अगर मैं उनसे एक चीज़ ना मांगूँ तो ये मुझे लगता है कि अन्याय है ठीक है। अपने घर वालों के साथ ही चीज़ें बनती है, बांटी जाती है, हार जीत हर एक चीज़ लगी रहती है, लेकिन एक फैमिली बनती है ना, उसके बाद में ही किसी चीज़ में मन लगता है। और मेरा मन लगता है, मुझे लगता है कि लोग उन्हें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उनको मेरे साइड से हेल्प मिलती है ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, एक क्लेरिफिकेशन है उस बंदे के लिए, उस ग्रुप के लिए कि यार तुम कितना भी ठोकने को कोशिश करो, मैं गिरने वाला नहीं हूँ ठीक है, मैं बोलता रहूँगा ठीक है, मैं भीख मांगता रहूँगा, एंड लोग मुझे पता है मुझे लोग सपोर्ट करते रहेंगे। तुम्हारे जैसे 100 आए एंड 100 चले गए, कुछ नहीं होने वाला ठीक है। यह तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या।